ओके सो कई लोग पूछते हैं कि हमसे कि हम कौन सी गीता पढ़ें। मैं कल गीता प्रेस के स्टॉल पे गया तो इतनी सारी गीताएं पढ़ी हुई थी, पता नहीं किस किस ने गीता लिखी है, अखंडानंद, अड़गड़ानंद, बड़गड़ानंद, पता नहीं क्या क्या है, भगवान जाने। पॉलिटिशियंस ने गीता लिखी है, विनोबा भावे जी ने गीता लिखी है, महात्मा गांधी जी ने गीता लिखी है, तो कौन सी गीता पढ़ें। वेल, मैं अभी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर ही हूँ, यहाँ यहीं पर गीता बोली थी, इसलिए मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था। सो अब कौन सी गीता पढ़ें, लोग कहते हैं, लोग जगह जनरल आंसर है वो गीता पढ़ें जो प्रमाणिक है, जो संप्रदाय में आ रही है। पहले आप किसी से भी जाके बोलो, वो कहेंगे हमारी अपनी संप्रदाय है। आप शंकरा वालों के पास जाओ, कहें हमारी गीता पढ़ो, हमारी भी परंपरा है, हमारे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं, संप्रदाय से आ रहे हैं आप, तो आप उनके पास जाओ, तो क्या कहते हैं आपके दत्तात्रेय वालों के पास, वो कहेंगे हमारी अपनी परंपरा है। तो इससे कोई समझ नहीं आता, परंपरा है उस प्रमाणिक है, सब अपनी अपनी किताबों को प्रमाणिक तो कहेंगे ही कहेंगे, कौन सी गीता पढ़ें। वेल, इसका सीधा साधा उत्तर है, श्रीला प्रभुपाद ने दो उत्तर दिए, प्रभुपाद से पूछते थे, प्रभुपाद क्या आंसर करते थे, प्रभुपाद आंसर करते थे कि आप वो गीता पढ़ो जिस जो गीता बता रही कृष्ण भगवान, क्लियर। अब आप जितनी भी गीता उठा के देख लो, प्रभुपाद ने कहा कि मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने गीता पे कमेंट्री लिखी है और जो बता रहा है कृष्णा भगवान है, वरना आप कोई भी गीता उठा के पढ़ लो उसमें क्या है, निराकार निकलेगा, निराकार की पूजा करो, या उसमें शिवो अहम निकलेगा, शिव की पूजा, भैया शिव कहाँ से आ गए गीता में, गीता में एब्सोल्युटली क्लियर है, कृष्णा कह रहे मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मैं भगवान हूँ। 10th chapter 2nd verse कृष्णा कह रहे हैं कि न मैं विदु सुरा का ना प्रभवंती न महर्षया, महान ऋषिगण भी मुझे नहीं जानते, मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही सबका अंत हूँ, कृष्णा भगवान। गीता तो पढ़ के एटलीस्ट ये तो पता लगे कृष्णा भगवान है, वो गीता पढ़नी चाहिए जिसमें बताया जाए कृष्णा भगवान है, अदरवाइज मीनिंगलेस है। दूसरी बात शिला प्रभुपाद ने बोली थी कि वो गीता पढ़ें जिसमें बताया गया कृष्ण की भक्ति करनी है। बार बार गीता में हर अध्याय के अंत में, सारे भगवद्गीता के अध्यायों के अंत में आप आखिरी श्लोक पढ़ के देख लीजिए, आखिरी श्लोक कंक्लूजन होता है, सार होता है उस अध्याय का। हर अध्याय के अंत में कृष्णा बोल रहे हैं मेरी भक्ति करो। उदाहरण के लिए 6th अध्याय के अंत में बोल रहे हैं, लास्ट श्लोक में बोल रहे हैं कृष्णा, योगी नाम अभी सर्वेशा मत गतिरंतर आत्मना श्रद्धावान भजते हो माम संयुक्त तमो मतः। कृष्णा कह रहे हैं मेरी जो भक्ति करता है वो सबसे ऊपर है, ज्ञानी योगी तपस्वी, मैं कृष्णा कह रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। 8th अध्याय के अंत में कृष्णा कह रहे हैं विदेश यज्ञेशु तपसु च एव दानेषु पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा स्थानम उपैति चाद्यम। कृष्णा कह रहे हैं जो भी तुम वेद पढ़ के फल प्राप्त करते हो, यज्ञ करके तप करके फल प्राप्त करते हो, मेरी भक्ति से सब मिलते हैं। इस तरह से सारे अध्यायों के अंत में भक्ति की चर्चा है। सो दो ही चीज़ें हैं, वो गीता पढ़े जिसमें बताया कृष्ण भगवान है, और वो गीता पढ़े जिसमें बताया कृष्ण की भक्ति करनी है। वो गीता अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, अगर ये दो विषय उस गीता में तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो चाहे भगवान ने भी लिखी हो वो गीता तो वो मत पढ़िए। हरे कृष्ण।